तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं, बिहार के बाद बंगाल है, आगे और बवाल है। ये तस्वीरें देखिए, इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बंगाल से आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर जो हमला हुआ, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता ये विरोध प्रदर्शन इस समय कर रहे हैं। ठीक इसी समय की तस्वीरें हैं। और शाहनवाज हुसैन, आपने लिस्ट तो गिना दी, लेकिन दिलीप घोष के बयान पर कुछ नहीं कहा आपने, क्या इसको जस्टिफिकेशन माने दिलीप घोष के बयान का? देखिए रोहित जी, दिलीप घोष पर 7 बार जानलेवा हमला हो चुका है, उनकी जिंदगी दांव पर है। अगर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स उनके साथ नहीं होती तो अभी तक उनकी हत्या हो जाती। तो वो कह सकते हैं कि बार उनकी हत्या की साजिश को ना नहीं टांग जिस तरह, अरे हमारा यहाँ गर्दन काटा जा रहा है, आप कह रहे हैं टांग बोल रहे हैं वो, अरे तो फिर बोलिए ना कि हाँ वो कह सकते हैं टांगे तोड़ देंगे। आएगा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बोलिए फिर इस बात से। ऐसे गुंडों को टांग नहीं, उनको जो गुंडे लोगों को मार रहे हैं उनकी टांग नहीं तोड़नी चाहिए, उन सबको फांसी कोर्ट के जरिए दिलवाएंगे सरकार आएगी तो। हमारे जो कार्यकर्ता शहीद हुए हैं वो उनकी शहादत बेकार नहीं जाने वाली है। हमारा कार्यकर्ता पार्टी के लिए जान देता है साहब, हम कोई पार्टी के टीएमसी की तरह और पैसा नहीं देते वर्कर को। हमारे कार्यकर्ता एक विचार एक निष्ठा के साथ पार्टी में काम करते हैं, और उनका सिर्फ ये दोष है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो भाजपा का झंडा लेकर चल रहे हैं, एक राष्ट्र प्रेम का विचार लेकर चल रहे हैं, इसलिए उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी और कहा जाएगा कि दिलीप घोष ऐसा बयान दे रहे हैं। जब सामने कार्यकर्ता की लाश पड़ी होती है तो रोंगटा खड़ा होता है, खून खोलता है।